हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिशा ब्यूटी। और मैं हूँ प्रिशा ब्यूटी से प्रमिला। तो आज का जो मेकअप लुक है ये करवा चौथ मेकअप लुक है, और आगे जो फेस्टिव सीज़न है, बहुत सारे त्यौहार हैं उनके लिए लुक है, दिवाली है, तो आप जो है इस लुक को बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं और हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। सो मैंने यहाँ पर टोनर अप्लाई किया हुआ है, और ये टोनर है आई थिंक गुड वाइब्स का कोकुम्बर टोनर, ये मैंने अप्लाई किया। और अच्छे से इसको अप्लाई करने के बाद में मैं ये माराकुजा सीरम गुड वाइब्स का अप्लाई कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्किन को। इस समय तो विंटर सीजन स्टार्ट होने वाली है ना, तो मौसम चेंज हो रहा है, तो स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होने का डर है, और स्किन में बहुत ज़्यादा जो है ड्राई स्किन भी आ रही है। तो इस वजह से सीरम आप अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। सीरम बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है, और देन उसके बाद में जब आप बेस लगाएंगे ना, तो फिर आपका बेस बहुत ईजिली ब्लेंड भी होगा और बहुत फ्लॉलेस दिखेगा। तो अच्छे से अप्लाई करने के बाद में मैंने यहाँ पे जो है अप्लाई किया हुआ है थोड़ा सा प्राइमर, और प्राइमर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद में जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ज़रूरत है, पोर्स की प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप प्राइमर अप्लाई कर लें। बट मैं अच्छे से लगा रही हूँ और उसको मैं फुल फेस पे ही मिक्सअप कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी मैं, और अप्लाई करने के बाद में तुरंत ये मैट हो जाता है कि मैट फिनिश का है। और ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन को मैं अच्छे से जो है कवर करूँगी अपने फेस पे। और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ब्लेंडिंग का, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ब्लेंड कर लीजिए अच्छे से। ब्लेंडिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, अपनी नेक पे और ईयर पे भी अप्लाई करना है, नहीं तो आपकी नेक अलग अलग लगेगी, ईयर अलग अलग लगेंगे फेस से। तो इस वजह से आपको अप्लाई कर लेना है अच्छे से, और बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर निकाल रही थी, जो कि मैंने पानी में इसको रखा हुआ था डिप करके। तो आप इस तरीके से जो है ब्यूटी ब्लेंडर पानी में गीला करके फिर उसको स्क्विच कर लीजिए, उसके बाद यूज़ करिए, तो बहुत अच्छे से फिनिश देता है आपके बेस को, और बहुत ही स्मूथली जो है फिनिश देता है। तो इस तरीके से मैं अच्छे से जो है अप्लाई कर लूँगी, और बहुत अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। मैं बार बार बोलती हूँ कि ब्लेंडिंग पे जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतना अच्छा आपका मेकअप बेस होने वाला है, और उतनी ज़्यादा देर टिकेगा। तो इस वजह से ब्लेंडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए। तो अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी इसको, और अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं, और हाँ वही फाउंडेशन मैंने आईज़ पे भी अप्लाई किया है एज आई प्राइमर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप आई प्राइमर अप्लाई करते हैं ना, तो जो आपका आई शेडो होता है वो बहुत अच्छे से निखर के आता है, कलर्स जो होते हैं ना बहुत अच्छे से ब्लेंड होते हैं, और कलर दिखाई भी पड़ते हैं, क्रीज लाइंस वगैरह नहीं बनती हैं। तो इस वजह से जो है प्राइमर का यूज़ करते हैं, कंसीलर का यूज़ करते हैं, तो मैंने कंसीलर एज अ कंसीलर एंड प्राइमर दोनों की तरह इसी को यूज़ किया हुआ है। तो अगर आपके पास में अलग से नहीं है कंसीलर वगैरह, तो आप इसी को यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका फाउंडेशन है उससे आप इजीली जो है कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट की सहायता से अपनी आईज़ को सेट कर रही हूँ, आई बेस को। तो सेट करना भी बहुत ज़रूरी है, कॉम्पैक्ट की हेल्प से आप सेट कर लीजिए अपने बेस को, नहीं तो फिर अलग अलग सा दिखेगा और लाइंस वगैरह दिखने लगती हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। सो इस वजह से अच्छे से कवर कर लीजिए फेस को अपने, और देख लीजिए आप लोग नेक एंड ईयर पे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो वही सेम प्रोसेस करनी है आप लोगों को, नेक एंड ईयर को नहीं छोड़ना है, नहीं तो बिल्कुल अलग अलग लगेगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये है आईब्रो पेंसिल, इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल आउट कर लूँगी और अच्छा सा शेप दे दूँगी। मैंने यहाँ पर शेप दिया हुआ है, अभी आप लोग देखेंगे बिल्कुल नेचुरल शेप दिया है मैंने, ज़्यादा नहीं यूज़ किया हुआ है। तो इसी तरीके से आप चाहें तो मतलब हल्का चाहें तो हल्का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप थिक रखना चाहते हैं अपनी आईब्रोज़ को तो आप थिक भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी रखना चाहते हैं। और ये एक सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो है, ट्रिक है एक, और प्रोसेसेस हैं जिससे कि आप लोगों को पता चले कि कैसे क्या करना है। बाकी आप इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं, और कुछ स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है किस तरीके से आप अपने मेकअप लुक को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने आईब्रोज़ को सेट कर लिया है, उसके बाद में ये है वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट, और इससे मैंने यहाँ पे डार्क जो है ब्राउन ट्रांजेक्शन शेड लिया हुआ है, उससे मैं जो है अप्लाई करूँगी इस तरीके से अच्छे से। तो
ये मैंने अप्लाई कर लिया हुआ है, क्रीज लाइन को डिफाइन किया हुआ है। क्रीज लाइन अच्छे से डिफाइन करने के बाद में मैं अप्लाई करूँगी थोड़ा सा डार्क शेड, जो कि डार्क ब्राउन शेड है, और उसको मैं कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी, आउटर कॉर्नर पे अच्छे से, और घुमाते घुमाते उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, और अच्छे से आपको ब्लेंड करना है ताकि वो अलग अलग ना दिखाई पड़े। ये जो कलर आप लोग देख रहे हैं ना, ये डार्क ब्राउन कलर है, थोड़ा सा जो है शाइनिंग भी है इसमें, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर लूँगी और मिक्स भी कर लूँगी, इस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। देन उसके बाद में मैं यहाँ से लूँगी, पिक करूँगी गोल्डन शेड, और उसको मैं अपनी आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी। तो अभी आप लोग देखेंगे ना, आई लुक बहुत अच्छा आने वाला है, और बाहर बहुत शोर हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग ना उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ अपने हॉल में हूँ, यहाँ से वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बाहर का बहुत ज़्यादा जो है शोर आ रहा है। तो ये है गोल्डन कलर, इसको मैंने लिड पे अप्लाई किया हुआ है, और इस तरीके से अप्लाई करने के बाद में उसको अच्छे से मिक्स करना है। फिंगर की हेल्प से मैंने अप्लाई कर लिया हुआ है, तो अप्लाई करने के बाद में अच्छे से आप इसको मिक्स करिए ताकि वो इवन लगे, अलग अलग सा नहीं दिखाई पड़े। और एक्स्ट्रा जो फॉल आउट हुआ है उसको मैं हटा रही हूँ। तो इस तरीके से हटाने के बाद में मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसको सेट कर लूँगी अच्छे से, ताकि जहाँ जहाँ पे फॉल आउट हुआ था ना, वहाँ का जो बेस है वो हमारा ख़राब ना हो, अच्छा रहे। और अच्छे से कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसको मैं सेट कर लूँगी, और सेट करने के बाद में मैं जो है अप्लाई कर रही हूँ काजल। और ये काजल NY का है, और बहुत अच्छा काजल है, लॉन्ग लास्टिंग है, और पिगमेंटेड भी बहुत ज़्यादा है। तो देख रहे हैं आप लोग, ज़रा सा यूज़ करने पे ही कितना अच्छा लुक आ जाता है। इसको अच्छे से यूज़ कर लेंगे, और उसके बाद में मैं अपनी वाटर लाइन पे ही जो मैंने गोल्डन शेड अप्लाई किया हुआ है अपनी आई लिड पे, वही शेड मैं वाटर लाइन पे भी जो है अप्लाई करूँगी, ताकि जो लुक है ना वो थोड़ा और इन्हेंस हो जाए, अच्छा लगे। तो अब अपना लाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं। लाइनर मैंने थोड़ा सा जो है थिक लगाया हुआ है, तो वो भी आपके ऊपर है। वैसे मैं थिक लाइनर लगाती नहीं हूँ, आप लोगों ने देखा है मुझे, बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं देखा है, मैं कभी भी थिक लाइनर नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत ही जो है पतला सा लाइनर यूज़ करती हूँ। बट फिर भी आज मैंने सोचा कि चलो थिक लाइनर यूज़ करते हैं थोड़ा सा। तो आप लोग बताइएगा कि कैसे लग रहा है थिक लाइनर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थिक लाइनर मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बट मैंने आज यूज़ किया हुआ है, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। और इनर कॉर्नर की तरफ से थोड़ा सा मैंने जो है यहाँ पे निकाला हुआ है, तो और अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वही अपना गोल्डन कलर, जो कि मैं अपनी वाटर लाइन पे जो है वर्कआउट कर रही हूँ। तो अच्छे से यूज़ कर लेंगे, और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा आई लुक कितना अच्छा लग रहा है, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और बहुत अच्छे से जो है ब्राउन साड़ी पे मेरी ड्रेस पे बहुत अच्छे से जा रहा है। तो अब मैं पाउडर कंट्रोल करूँगी, यहाँ से डार्क शेड मैंने पिक किया है और कंट्रोलिंग कर रही हूँ। तो आप लोग भी कंट्रोलिंग कर सकते हैं, इससे ना फेस का एक अलग सा लुक आ जाता है, और फेस जो है शार्प दिखने लगता है आपका। तो अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी, और उसके बाद में मैं अप्लाई करूँगी हाईलाइटर, है ऑलवेज मेरा फेवरेट। तो हाइलाइटर यूज़ करने से ना बिल्कुल अलग ही लुक आ जाता है, हाइलाइटर है, ब्लश है, इसको यूज़ करने से बहुत अलग सा लुक आ जाता है। तो ये हाइलाइटर है, मैं यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर आपको जहाँ जहाँ पे लगे कि आपको यूज़ करना है, वहाँ वहाँ आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद में मैं इसी पैलेट से अपना जो है ब्लश लूँगी, और ब्लश भी मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि उसमें कलर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं, बहुत अच्छा लुक आ जाता है यूज़ करने के बाद में। यहाँ से मैं ब्लश ले रही हूँ, अपनी ब्लश यूज़ कर लूँगी इस तरीके से। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि लुक कैसा लगा। और हाँ, एक चीज़ और है कि इस वीडियो में मैंने तीन तरीके से आपको दिखाया हुआ है अपने हेयर्स को करके, हेयर की स्टाइलिंग करके, बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है, सिंपल सा ही रखा है, बट फिर भी तीन तरीके से है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कौन सा वाला लुक आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और वो आप लोगों के लिए ही हेल्पफुल हो जाएगा। आप लोगों को जैसा लगे वैसा आप लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं। और थोड़ा सा इग्नोर करिएगा मेरी जो आवाज़ है ना, बहुत भारी भारी सी हो रखी है, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से। तो ये है, इस तरीके से मैंने फर्स्ट अपना हेयर स्टाइलिंग कर रखी है, देन सेकेंड में मैंने हल्का सा कर्ल किया हुआ है इस तरीके से।
तो बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को। और मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे लास्ट लुक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, बट आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा लुक सबसे अच्छा लगा है। और इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए ना सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर हिट करें आप लोग, जैसे कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना तो उसको उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप लोग वीडियोज़ को देख सकें। तो ये लुक कैसा लग रहा है आप लोगों को यार बताइएगा ज़रूर। बहुत मेहनत लगती है किसी भी एक लुक को क्रिएट करने में, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों और फैमिली के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देख सकें। सो ये मेरा थर्ड लुक है, हेयर का मैंने इस तरीके से कर रखा है, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है, कौन सा लुक किसको ज़्यादा अच्छा लगा। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।